गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग और उसी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन एवरीवन। अरे बच्चे वीडियोस अपना ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर दीजिए सारे बच्चे। ओके तो वी हैव टू we are doing the chapter decimals we are doing exercise 3b tell me till which question you have done in the exercise 3b sir we are good morning sir good morning sir we are doing exercise 3b ha 3b bol raha hu main exercise 3b We have done till which question? I think we have done till question number 19. Question 20 we have to do. Question number 20. Yeah. Sir, we have to start with question 20. We have done till question 19. Yes. Exercise 3B. Question number 20. Okay. The question 20 is by how much should 32.67 be increased to get 60.5? 32.67 को कितना इंक्रीज करें सो दैट यू गेट 60.5 उसको इंक्रीज करने पर कितना आना चाहिए मतलब कितना इंक्रीज करना चाहिए सो दैट आपको ऐड करके या फिर इंक्रीज करके क्या मिल जाए 60.1 मिल जाए ओके सो दैट मींस वी विल मेक एन इक्वेशन इन दिस एंड वी विल अज्यूम दैट मान लेते हैं कि एक्स एक्स से इंक्रीज कर रहे हैं हम नंबर 32.67 में एक्स ऐड करेंगे And we will get 60.1. Okay, so let the missing number be x. Let the missing number be x. So equation kya banegi? 32.67 plus x. Okay. यहाँ पर कह रहे थे कि कितना इंक्रीज करें हमने मान लिया x ऐड कर देंगे या फिर x इंक्रीज कर देंगे इंक्रीज करना या फिर ऐड करना एक ही बात है तो लेट x बी एडेड x ऐड कर दिया हमने इसमें एंड यू गेट व्हाट क्या मिलेगा हमको दिस इज गिवन 60.1 मिलेगा तो दिस इज द इक्वेशन नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन 32.67 विल गो टू RHS एंड इट विल बी सबट्रैक्टेड x equal to 60.1 minus 32.67 okay ye minus kar lijiye kitna aaya 60.10 32.67 minus kar lo what do you get This is the answer. Clear? The answer is 27.43. So we have to add 27.43 for getting 60.1. Sir, we can try this with another method that 60 point. We can, sir, minus. Directly minus. Directly. Yeah.
Yes, you can do if you write the statements. But in properly. Exam, we can do this method also. Yes. Okay. Written, all of you. Yes. May I remove this? Yes, sir. So next question we will sir we can do ourselves. Question 21. Similar type of question. Thoda sa difference hai. By how much should 74.3 be decreased? Pichle question mein increase tha, yahan par decrease hai. Bas itna sa difference hai. Sir, okay. We have to, in this question, we have to add. Let the missing number be x. फिर से मिसिंग नंबर को एक्स मान लिया ओके सो 74.3 में कितना डिक्रीज करें या फिर कितना माइनस करें हमने मान लिया एक्स माइनस करेंगे सो दैट यू गेट 26.87 आपको क्या मिल जाए 26.87 मिल जाए कितना माइनस करें सो एज टू गेट 26.87 तो क्या होगा 74.3 All of you look at this step carefully, everyone. Look at this on the board. 74.3 जब 26.87 LHS में जाएगा, it will become negative, minus हो जाएगा 26.87. And minus x को जब हम RHS में ले जाएंगे, it will become positive, plus x बन जाएगा. Okay? 26.87 LHS में जाके माइनस हो जाएगा तो 74.3 माइनस 26.87 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यू विल गेट योर आंसर सो यू डू दिस हियर 74 सर इन दिस क्वेश्चन व्हाई वी नॉट 74.3 वी नॉट टेक दिस ऑन टू आरएचएस यू कैन डू बाय टेकिंग 74.3 टू आरएचएस आल्सो तब भी माइनस ही करना है तब आपका आंसर पहले माइनस में आएगा फिर बाद में पॉजिटिव आएगा अल्टीमेटली करना माइनस ही है 74.3 माइनस 26.87 अब यहाँ पर एक जीरो ऐड कर देते हैं 74.3 नाउ यू सबट्रैक्ट 3 12 माइनस 8 4 13 minus 6, 7, 6 minus 2, 4. So answer is, what do you get? X, you get x equals to 47.43. This is the answer. Clear? Yes. The next question is easy, sir. Next question is Rohit purchased a notebook for 23.75 rupees, a pencil for 2 rupees 2.85, a pen for rupees 15.90. He gave a 50 rupee note to the shopkeeper. What amount did he get back? तो रोहित ने एक बुक खरीदी, एक पेंसिल खरीदी, एक पेन खरीदा. ठीक है. सर उसको अपन प्लस कर देंगे. हाँ ऐड करेंगे टोटल जो उसने शॉपिंग करी उसको ऐड कर लेंगे एंड ही गेव अस 50 में से मैं सर 3 कॉस्ट की जो होगी वो उसमें ऐड करेंगे एंड देन ही गेव अ 50 रुपीस नोट टू द शॉपकीपर शॉपकीपर गोस सर 50 रुपीस सर 0.50 रुपीस बेटा सुनो तो मेरी बात ही गेव अ 50 रुपीस नोट टू द शॉपकीपर एंड आपको ये बताना है कि शॉपकीपर उसको जो टोटल रुपीज उसने दिए 50 रुपीज उसमें से कितने रिटर्न करेगा उसको बिकॉज जो उसने सामान खरीदा है जो मटेरियल जो खरीदा है उसने दैट इज
नॉट ऑफ 50 रुपीज, इट इज लेस देन 50 रुपीज, 50 रुपए से कम का सामान. आपने भी कभी शॉपिंग करते होंगे, कभी आपने फॉर एग्जांपल शॉपिंग आपने 80 रुपीज की करी, मान लीजिए 80 रुपीज की शॉपिंग करी एंड आपने 100 रुपीज का नोट दिया शॉपकीपर, तो शॉपकीपर आपको पैसे रिटर्न करता है? सब 20 रुपीज. He returns 20 rupees. Yes. In the same way, in this question also, isne shopping the boy Rohit. He did shopping for less than, he bought three items for less than 50 rupees, and then he paid a 50 rupee note to the shopkeeper. Of shopkeeper, usko kitne rupees return karega? Wo aapko batana hai. So what you will do? तो जो ऐड किया उसे माइनस कर देंगे 50 में से माइनस कर देंगे. सर तीनों की कॉस्ट और ऐड करके सर 50 रुपीस से माइनस कर देंगे. वेरी गुड. द कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री आइटम्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर दिस इज लाइक एग्जांपल 5. कॉस्ट ऑफ ऑल items bought by first of all the items bought by Rohit. कैसे निकलेगा? You will add all the three amounts. 23.75 plus which is the cost of notebook plus 2.85, this is the cost of pencil 2.85, and the cost of pen is 15.90. Total add kar lijiye. Find the sum 15.90. Is it rupees 42.50? Add करके देखिए rupees 42.50 आ रहा है. मैंने orally करा है, जरा check कर लीजिए एक बार. I have added orally. Just check it whether it is correct or not. So this is the total cost of all the three items. Now, he gave a 50 rupees note to the shopkeeper. Now the amount he will get back from the shopkeeper. Amount we will get back from the shopkeeper 50 minus 42.50. So minus kar lijiye, the answer will be rupees 7.50. Okay, check the answer. 50 में से 42.50 minus करेंगे 7.50 आ रहा है.
Done, all of you? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so let's start with the next exercise. It is exercise 3.3 and it is based on multiplication of decimal number. Again, it is very easy. Multiplication भी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लास में. Okay. May I remove this from the board? Yes, sir. So, exercise 3C. Exercise three. Let's straight away start with the question because I don't think there is anything to explain in this other than the exercise itself. So question one: find the product of these numbers. 73.92 multiplied by 10. So whenever you are multiplying a number by 10, a decimal number by 10, the decimal moves one place to the right side. पता होगा आपको. द आंसर भी 739.2 डेसिमल. देखिए एक प्लेस का जंप लगाएगा राइट की तरफ एंड द आंसर इज 739.2. सर दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू इन बुक इन द कॉपी. 7.54 इनटू 10 तो द आंसर विल बी 75.4. ठीक है सारी करिए ये. ओके लेट्स डू द सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में कराना 0.032 इनटू 10 अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 सो इट विल बिकम 0.32. डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा. डबल 0.32 लिखो या 0.32 लिखो एक ही बात है. ओके दिस इज वेरी इजी. यस Okay. Question two. Question two, first part. Now multiply by 100. I don't know why so many questions they have given of the same type. 2.397 multiply by 100. So decimal will go two places to the right. Now because we are multiplying by 100, decimal two places ka jump laga dega. So 2.397. Clear? Yes. Second part 6.83 multiplied by 100. अब यहाँ पर क्या होगा? We are multiplying 6.83 by 100. Decimal will move two places to the right side and there are only two decimal places. दो ही digits हैं decimal के आगे यहाँ. तो decimal हट जाएगा. 683. 683 is the answer. Similarly, see the sixth part of the question. There is no need to do all the parts of the question. जो मैं कर रहा हूँ वही वाले कर दीजिए. 0.003 multiply by 100. Okay. So move decimal two places to the right. So 000.3. तीन zeros लगाने का कोई फायदा नहीं है. So you directly write 0.3. Is there any use of writing three zeros before decimal? There is no use. So you can simply write 0.3. Yes. Okay. Similarly, question three.
question number 3 question 3 kya raha hai we have to multiply by 1000 so you will move 3 places to the right side 6.7314 6.7314 multiplied by 1000 ठीक है सो थ्री प्लेसेस कैसे राइट में मूव करेंगे यू विल मूव द डेसिमल थ्री प्लेसेस इन द राइट सो 6731 6731 थ्री प्लेसेस मूव करा दिए नाउ यू पुट द डेसिमल 0.4 6731.4 6731.4 क्लियर है सेकंड पार्ट 0.0.182 मल्टीप्लाइड बाय 1000 Now there are only three decimal places in this number, or three places. So, sir, we you can remove the decimal from here. The three places right में जाएगा, तो that means decimal के आगे वो digit बचेगी ना. That means decimal के आगे zero है, so you can write 182 as the answer. Look at the sixth part of the question. 0.06 multiplied by 1000. ये वाला जरा ध्यान से देखिए ऑल ऑफ यू एवरीवन लुक एट दिस केयरफुली सो व्हेन यू मूव डेसिमल थ्री प्लेसेस टू द राइट यहां पर तो डेसिमल के बाद देयर आर ओनली टू डिजिट्स डेसिमल के आगे सिर्फ दो डिजिट्स हैं सो व्हेन यू मूव डेसिमल थ्री प्लेसेस टू द राइट साइड इट विल इजीली टेक अ जंप ऑफ वन डिजिट टू डिजिट अब थर्ड डिजिट के लिए क्या करेंगे यू विल पुट अ जीरो 0060 एक जीरो लास्ट में लगा दिया देखिए तभी तो थ्री प्लेसेस आगे बढ़ेगा डेसिमल अब ये स्टार्टिंग में जो दो जीरो हैं इनका कोई यूज नहीं है सो यू कैन सिंपली राइट योर आंसर इज 60 क्लियर है यस Question number 4. I hope everyone has done the second one. Yes. Question 4. First part. 5.4 multiplied by 16. 5.4 मल्टीप्लाई बाय 60 तो मल्टीप्लिकेशन आता है बच्चों को डेसिमल भूल जाइए चलिए लगा दीजिए यहाँ पर लेकिन भूल जाइए है डेसिमल सर वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 16 देन इन द आंसर वी कैन गिव द डेसिमल हाँ वही वही करेंगे डेसिमल लगा दिए मैंने बट देयर इज नो यूज ऑफ डेसिमल व्हेन यू लाइक एग्जांपल 4 सर लाइक एग्जांपल 4 So when you are multiplying the numbers, there is no use of decimal. After multiplication, kya karna hai, I will tell you. So 6 into 4, look at this, all of you. This is the first time we are doing this type of question. Although you have done this in your previous classes, 4th or 5th maybe aapne kiya hoga. Now you are in class. Sir, 3rd. Third, 4th, 5th mein aise questions aapne kiye honge. Aur ab 7th wale bachcho ko aise questions laga rahe. I don't know why. 6 into 4, 24. 2, 6, 5, 32 लगा दिया 54 आ गया now when you add this you get 4, 6, 8 now 864 आ गया product now अब आप count करिए decimal के आगे number of digits कितनी है there is only sir, one digit हाँ डेसिमल के आगे सिर्फ एक ही डिजिट है तो आप इस नंबर में राइट साइड से शुरू करिए और एक डेसिमल एक डिजिट को छोड़ करके डेसिमल लगा दीजिए ठीक है बिकॉज क्वेश्चन में एक ही डिजिट थी आफ्टर डेसिमल तो आप आंसर में भी यही करेंगे तो आंसर इज 86.4 वेरी गुड
Okay, next question. Let's do the third part of this question. Question 4 का ही third part करते हैं. But part is 0.854 multiplied by 12. तो आप कुछ नहीं करिए, आप 854 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, 2, 4, 8, 10, 16, 17. ठीक है, 854 ऐड कर लो, क्या आया 8, 4, 2, 10. ठीक है. So now after decimal, how many digits are there in the question? Question में कितना digits हैं after decimal? Three digits. So answer में three digits छोड़िए. Right side से start करिए, three digits का gap छोड़ दीजिए और decimal लगा दीजिए. 10.248 answer होगा. 10.248. Okay. 10.248. This is the answer. Any doubt? No sir. Can you try the seventh and ninth part of this question? Seventh part or ninth part? Kariye. Yes. Start doing the seventh and ninth part. Sir, fourth question, seventh and ninth. Yes. Question four, seventh part. I hope you all are doing.
Yes, everyone done the question? Yes, sir. Very good. Beta, 7th and 9th part you had to do. I hope you all have done the 7th and 9th part of question 4. Question 5 we are starting now. 5th part. Question sir, number 5. Sir, the time is sir. अरे अभी कहाँ सर यार अभी 2 मिनट हैं. Question 5, first part 7.6 multiplied by 2.4. 7.6 multiplied by 2.4. कुछ मत करिए. You just multiply 76 and 24. 76 24 को multiply करिए. Four, 2, 8, 1. 1, 8, 2, 4. It's a product. But now you count the decimal digits of the number of digits which are there after decimal. So, first number mein 8 digit hai decimal ke baad. Second number mein bhi 8 digit hai decimal ke baad. So, total number of decimal places 2 ho gaye. That means you will, in your answer, you will leave 2 digits on the right side and then put a decimal. 18.24 is the answer. समझ में आया 18.24 कैसे हुआ? आप total number of decimal digits count कर लेंगे question में. First number में एक है, second number में भी एक है. दोनों की एक एक add करके one हो गई, sorry two हो गई. So two decimal places you leave from the right side and then put a decimal. So the answer will be 18.24. Bye sir. अरे पहले ही बाय करना है बिना मीटिंग खत्म हुई. दक्ष जल्दी हो रही है.